लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हिम्मत है तुझे मार दूंगा। चल अंदर। अंदर से कैसी आवाज है? मालकिन, मालिक अंदर टीवी देख रहे हैं। मालकिन इतनी जोर की आवाज के साथ? वो इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं मालकिन, उसमें डिशुम डिशुम ज्यादा होता है ना, वही देख रहे हैं मालकिन। सुबह सुबह फिल्म देख रहे हैं? वो रात में दूसरी फिल्म देखते ना मालकिन, इसलिए सुबह सुबह अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, हट जाओ। क्यों मालकिन? कॉफी देना है। ठीक है। टॉवल। बिटिया तौलिया भूल गई मालकिन, आप ले आके दे दीजिए, मैं कॉफी अंदर दे देता हूँ। टॉवल भी नहीं ले जाती। बापरे। मालिक 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 मालिक, इसे छोड़ दिए, इसे छोड़ दिए। कहीं मालकिन को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। उठ, गौर से सुन, टाइम पे घर पे पैसा आ जाएगा, तू यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। चल भाग, कभी नजर मत आना। बच गया साला। सुनिए मालिक, बिटिया शादी कर देना ही बेहतर होगा। अबे चुप कर, वो अभी तक बच्ची है, इतनी जल्दी शादी? सही कहा, आपके छोटे भाई की शादी अभी तक नहीं हुई और होगी भी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों 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 कह रहे हैं? आपका भाई आपकी साली के सिवा किसी और से शादी करेगा नहीं, और आपके ससुर जी अपने जीते जी अपने बेटी की शादी आपके भाई से करेंगे नहीं, तो शादी भला कैसे होगी? पकड़िए, पकड़ाइए जी। जब तक वो बुड्ढा जिंदा है तब तक नहीं होगी, मरने के बाद तो होगी ना। मैं भी सबर की इंतहा तक पहुंच गया हूँ। सुना है कि बुड्ढा बेटी के लिए बाहर रिश्ता ढूंढ रहा है। मेरी नजर उस जायदाद पर है, मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? आपको लड़की चाहिए या जायदाद? दोनों चाहिए। ओहो, तू एक काम कर, बाहर से कुछ गुंडों का इंतजाम करके बुड्ढे को ऊपर पहुंचा। बाप रे, नहीं, ये बात अगर वीरू को पता चली तो वो मुझे ही ऊपर पहुंचा देगा। मालिक मुझे मत फंसाइए मालिक। कम से कम ऐसे मालिक सुन, वीरू हमसे भी ज्यादा खुददार है। वो बुड्ढे का नाम तक नहीं लेगा, फिर भी वो जब गांव में नहीं हो ये काम कर दे। रास्ता बंद है, ठीक है इधर से चलो। तीज मालिक।
बोल। नहीं। किसने भेजा है तुम लोगों को? बोल। नहीं। वरना जिंदा नहीं लौटोगे। बता दो किसने भेजा है तुम्हें? बता दो। बोल जल्दी बोल। कुछ नहीं हुआ मालिक, रहने दीजिए। जेल से तुझे आजादी मिल गई शेरू? जी मालिक। ये क्या मालिक, धूल मेरी आंखों में गिरी है, आंसू आपकी आंखों में? आंसू तो मेरी आंखों से निकले हैं, लेकिन उसमें तेरी जिंदगी बह गई। बीती बातों को क्यों याद कर रहे हैं मालिक? पहले ये हाथ नीचे कर। आपकी पकड़ में कोई बदलाव नहीं आया मालिक। लेकिन मैं बदल गया हूं रे, मुझे माफ कर दे। 2 हफ्तों से तुझे देखने जेल भी नहीं आया, उसकी कुछ वजह भी है, घर जाके बात करेंगे। आप घर जाइए मालिक, मैं रानी विजया को देकर आता हूं। 15 साल जेल में रह के आया, सोचा आते ही अपनी औलाद को देखने के लिए तड़पेगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को देखना चाहता। उससे तो मैं बाद में भी मिल लूंगा मालिक, आप घर जाइए, मैं बिटिया से मिलकर आता हूँ। भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। सुनिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। तुम ही लगा दो, हर रोज तुम ही लगाते ना। रानी भगवान की कसम खा के कहता हूँ, तुम अभी भी जवान लगती हो। ब्याहने लायक लड़की घर में रख के आपको मस्ती सूझ रही है, जाइए। सॉरी अंकल, I'm sorry अंकल, कहीं लगी तो नहीं? खून निकल रहा है, माँ जरा दवा तो लाना। I'm sorry अंकल, मेरी गलती है। तुम रानी जी की बेटी हो? जी हाँ अंकल। माँ क्या हुआ, जल्दी से दवा लाइए ना। कहाँ चोट लगी? मुझे नहीं, अंकल को लगी है। लगाइए ना माँ। मैंने दवा लगाने को कहा और आपने फेंक दी। 15 साल पहले लगा जख्म अभी तक भरा नहीं, अभी लगे जख्म पर दवा लगाने को कह रही है? चल अंदर। ए शंभुनाथ, हर ऐरे गैरे को अंदर क्यों आने देते हो? धक्के देके बाहर निकालो। हाँ सदा सुखी रहो गोविंद। मालिक अभी ये तुम्हारा दामाद बन गया ना जी, इसे फिर से काम पे लगा। जी मालिक। मालिक मालिक अब तो परमानेंट हो ना। जब मैं खुश हूँ तब तुमने पूछा, तुम परमानेंट ही हो। बेवकूफी छोड़कर काम में अकड़बंदी दिखा। अबे चंदो। जी मालिक। तुमसे खाने का इंतजाम करने को कहा, किया कर दिया तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाके अपना काम देखो। मालिक इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, आखिर कौन आ रहा है? मेरा जिगरी दोस्त आ रहा है। हाँ अरे भूल गया, हम दोनों खाना खाने के बाद घूमने चलेंगे, वो पुरानी घोड़ा गाड़ी है ना उसको तैयार रखो। घोड़ा गाड़ी? हाँ भाई उसे घोड़ा गाड़ी बहुत पसंद है, जाओ जाके जल्दी तैयार रखो। हाँ नागमणि। हाँ मालिक। खाना खाने के बाद उसे मीठा खाने की आदत है, वो आदत मैंने ही डाली थी। घर में मोतीचूर का लड्डू है ना? हाँ है। वो 40-50 रख लो। जी। अबे तुझे नौकरी दे दी ना जी, परमानेंट भी किया ना, फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जाके पान सुपारी वगैरह तैयार कर जा। जी मालिक। अरे 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 ये क्या, ये तू क्या कर रहा है? ये मेरा ही तो काम है ना मालिक। तू मेरा नौकर नहीं है? हाथ नीचे कर। तू मेरा दोस्त है यार, जिगरी दोस्त। अरे अब तक ये तेरी गुदगुदी नहीं गई यार? मुझे कोई गुदगुदी नहीं होती मालिक। अच्छा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा? उन्हें रहने दीजिए मालिक। अबे मालिक कहता है इधर आ। आ शेरू एक बार मुझे अबे बोलना। ये क्या मालिक, अच्छा नहीं होगा। अरे अरे बोलना। अच्छा नहीं होगा? अरे एक बार बोलना। मैंने कहा ना अच्छा नहीं होगा। बोलता है कि नहीं? कितने दिन हो गए इस तरह दिल से हंसकर। चलो खाना खाते। क्यों शेर, बच्चे को देखा? हाँ देखा, रानी बिटिया को भी और उनकी बच्ची को भी, बहुत सुंदर है। मैंने पूछा अपने बेटे को देखा कि नहीं? उसे तो यही देख लूंगा ना मालिक। वो यहाँ नहीं है, अपनी दादी माँ के पास। उसका दिमाग खराब हो गया है, क्यों नहीं आया? मैंने ही उसे निकाल दिया। क्यों? उसने एक गलती की। गलती?
कैसी गलती? छोड़ना यार, वो मैं खुद भूलना चाहता हूँ। चल। मेरे घर तुम क्यों आए हो? निकलो बाहर। गुड़िया, गुड़िया, छोड़ दो उसे। क्या कर रही हो तुम? प्रभा, कहाँ ले जा रही हो उसे? रुक जाओ। इस घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। प्रभा, हमारे परिवार की खुशी छीनने वाले इस नीच आदमी को अपने घर लाते हुए आपको शर्म नहीं आई? नहीं, मुझे शर्म नहीं है, जानती हो उसे। मालिक, इस घर की चौखट पे कदम रखने का मन कैसे हुआ? जिस घर को तबाह किया वही डेरा जमाने आए हो। अरे यहाँ सोने से तुम्हें नींद आएगी, यहाँ का खाना तुम्हें हजम होगा। तुम्हें लाज, शर्म, हया, खुददारी कुछ है कि नहीं? तुम्हारी जेल की सजा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस घर की तरफ से तुम्हारी जो सजा है वो अभी खत्म नहीं हुई और इस जन्म में कभी खत्म नहीं होगी। जाओ यहाँ से, निकलो बाहर। जाओ, जाओ यहाँ से। क्या समझती है आपको? पौने जानती हो? किस पर हाथ उठाया तुमने? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। मालिक, मालिक, मुझे उसे। कोई बात नहीं मालिक, जा जाके तुझे उसे। ए, मेरे पिताजी मुझे गाली देंगे, मारेंगे, जान ले लेंगे। पूछने वाले तुम कौन हो? तुम लोगों को दूर रखने के लिए ही मैंने नाटक करके तुम्हारे बेटे को भगा दिया था। अब तुम आ गए हो, निकलो यहाँ से, चले जाओ, शराफत से निकल जाओ। क्या कहा? छोटू को नाटक करके बाहर निकलवा दिया? हाँ पिताजी, जिसकी वजह से आपने अपनी बड़ी बेटी को घर से बाहर किया, वही दो कौड़ी का नौकर हमारे घर पे मालिक की तरह हुकूमत कर रहा था, यही मुझे अच्छा नहीं लगा। उसी वजह से मैंने उस दिन वीरू पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे आपसे अलग कर दिया। मालिक, शेरू मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती की। नहीं मालिक, नहीं, आपने गलती नहीं की है। गलती तो मैंने की है मालिक, मेरा गांव में आना किसी को भी पसंद नहीं, ऐसे में गुड़िया बेटी को कैसे पसंद आएगा? मैं जा रहा हूँ मालिक, जा रहा हूँ। देखिए ना, बचपन में कान छिदाते वक्त भी ना रोने वाली गुड़िया बेटी अब कैसे आंसू बहा रही। मालिक, अब आप गुड़िया बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, अगर उठाया तो बिटिया के मन को ठेस पहुंचेगी। हाँ बिटिया, अपने पिताजी का बुरा मत मान, भगवान तुम। अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, बड़ा कलेक्टर है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से रो रही हो? जल्दी से खाना लगाओ। हाँ, देती हूँ, देती हूँ। इस तरह झुंझला क्यों रही हो? अभी थोड़ी जा रहा हूँ, शहर में घर मिलने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही जाऊंगा। अच्छा, ये बता गाँव में क्या तकलीफ है जो गाँव छोड़ के जाने की बात कर रहा है? जेल से छुटके आ रहा है तेरा बेटा, मुझे उसकी शक्ल से नफरत है, इसीलिए जा रहा हूँ। क्यों, मेरा बेटा क्या कहता है, अपना बाप क्यों नहीं कहता? बड़े मालिक के परिवार का बुरा करने वाले को उस नाम से बुलाने वाला मैं कोई पागल नहीं हूँ, याद करने से भी दिल जलता है। उस लड़की ने मुझे और बड़े मालिक को अलग करने के लिए नाटक जो किया, उसकी वजह भी तेरा बेटा ही है। एए। बस बस, अपने लाडले के लिए बहस मत कर, आके खाना परोस। परोसती हूँ, खुद परोस ले। हाँ, परोस भी लूंगा, खा भी लूंगा। मेरे जिगर का टुकड़ा, तू कैसा है बेटा? तू अच्छा है ना? तुझे देखने मेरी आंखें तरस गई, तेरे आने की एक खबर कर देता तो मैं स्टेशन पे आ जाती ना। हंसता क्यों है? मैंने रेलवे स्टेशन कहा था, तू जहाँ था वो स्टेशन पे नहीं, वहाँ पे तो मालिक के सिवा और किसी को आने से मना किया था ना। हाँ माँ, वहां मेरी हालत देखकर तुम दुखी हो जाते, इसलिए मना किया था। अच्छा माँ, तुम कैसी हो माँ? मुझे किस बात की कमी है? तू मुझे जिस तरह देखता है वो भी मुझे देखता है, उसी में मैं तुझे देखती हूँ। एक झलक देखने को मन कर रहा। किसकी?
अपने बेटे की। उसमें क्या, चल अपने बेटे को देखने के लिए मुझसे क्या पूछता है। वो क्या है कि वो तुझ पर थोड़ा सा नाराज है, अभी देखने के बजाय चार दिन के बाद, क्योंकि उसने अगर तुझे कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर कभी आके देख लूंगा। शेरू, मैं तेरा दुख समझती हूँ, अपने बेटे को देखने के लिए दिल तड़पता होगा। तो एक काम कर, यहाँ के बजाय पिछवाड़े खिड़की के पास आ जा, उसके जाने बिना तुझे तेरे बेटे को दिखा देंगे। हाँ चल चल। क्यों रे राजा, खुद परोस के खा रहा है? तूने ही तो कहा था। खा ले खा ले। मक्खियां बेटा, मक्खियां। सर में जुए हैं। राजा, तेरे नाक पे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, अभी दिखाती हूँ। तो कितना ही मस्का लगा ले, मेरा गांव छोड़ के जाना पक्का है। ठीक है ठीक है, चले जाना। ये देख, कहा ना कुछ नहीं है, खाने दे। तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं। तू भी मेरे साथ चल, मैं तेरे बेटे से अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा राजा बेटा, तू अच्छी देखभाल करेगा, मैं जानती हूँ तू अच्छी देखभाल करेगा। ये आईना किस लिए? अपनी खूबसूरती देखते हुए खाना खाओ, ला इधर। मत जाना। हाँ बेटा, खाना खाते ही मत जाना, आराम से जाना कह रही थी। मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, यही बैठ के आराम से खाना, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। थोड़ा तो ठीक ही है। देख लिया बेटा, एकदम तेरे जैसे ही है ना। अब जा बेटा, जा शेरू। मालिक के घर पे रहेगा ना, तुझसे मैं बाद में मिलूंगी। अब जा जा बेटा। माँ, क्या है बेटा? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे हाथों का खाना खाए जमाना बीत गया। खिलाती हूँ बेटा, खिलाती हूँ, तू पिछवाड़े आ जा, मैं लाती हूँ। मैं कितनी बदनसीब हूँ, खाना खाने के लिए भी नहीं खा। खा ले बेटा, खा ले, मुँह खोल। ये मेरी खून पसीने की कमाई का खाना है, उन्हें ये खाने का हक नहीं है, इन्हें जाने के लिए कहो यहाँ से। ये तो क्या कह रहा है, ये तेरा बाप है। मैं ये कैसे यकीन करूं कि मेरा यही बाप है? माँ, कोई बात सुना नहीं। उसने क्या कहा? इसीलिए उस भगवान ने इसकी शक्ल तुझे दी है। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। सुन लिया तेरे बेटे ने क्या कहा? कुछ भी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा बड़े मालिक को अपना समझता है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहा है। चलता हूँ माँ। बेटा, भूख लगी थी तभी तो खाना मांगा था, एक निवाला भी खाए बिना जाएगा। कोई बात नहीं माँ, फिर कभी खा लूंगा। शेरू रुक जा। तुम बाप बेटे दोनों ने मेरे लिए जन्म लिया है। छोटू, गलती न करने पर भी मैंने तुझे सजा दी है, इसीलिए तुझसे माफी मांगने आया हूं। ये क्या बड़े मालिक, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? बेवजह मुझे मारने का हक आपको है। मुझसे ज्यादा हक उसे है छोटू, तू अपने पिता से माफी मांग रहे। जब मैं उन्हें अपना पिता ही नहीं मानता तो माफी मांगने का सवाल कहां उठता है? वो ना सिर्फ तेरा पिता है बल्कि मेरी जान है। शेरू मेरी बात सुन। शेरू भैया, गुड़िया को दो ना। शेरू चाचा, गुड़िया को दो ना।
उसे रोको, मलिक रोको, मलिक घर लो, चलो जल्दी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। शेरू, मेरा अच्छा बेटा है ना, बच्चे को दे दे, कान छिदवाने। कान छिदाने से दर्द होगा, नहीं दूंगा। तू क्या कभी इसके कान छिदाने नहीं दूंगी? कान में बुंदा नहीं पहनने से भी गुड़िया बेटी सुंदर लगेगी। ओहो, छेदने से दर्द होगा इसे तो प्रेसिंग वाला टॉस पहना देते हैं। शेरू चाचा गुड़िया को दो। नहीं रानी, अरे मुझे दो ना। नहीं दूंगा। देखो गुड़िया को कोई दर्द नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। वादा? पक्का वादा। संभाल कर रो नहीं बेटी। बेचारी गुड़िया इतना डरता है। डर गया, डर गया। चुप रहिए, सब मिलकर गुड़िया बेटी को रुलाने वाले हैं। शेर नहीं देखूंगा। शेर नहीं। अरे गुड़िया कैसे ऐसे ये देख। अरे गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। इतनी सी बात के लिए जमीन आसमान एक। तो क्या करूं बेचारी बच्ची जो है। हाँ अरे बड़े मालिक आ गए, जल्दी कराओ। नमस्कार, सब लोग बैठिए बैठिए। शेरू तू क्यों खड़ा है, बैठना। नहीं मालिक। अरे कहा ना बैठ जा। आप खा लीजिए, मैं घर जाके बाद में खा लूंगा। अरे मैं भी खा रहा हूँ ना, खा बैठ जा। नहीं मालिक, बैठ जा। क्यों, क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो गए? ये आपका दोस्त है वो तो ठीक है, पर इसकी बराबरी में बैठकर खाना खाना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा बड़े मालिक। अच्छा ये बात है। शेरू उठ। इसीलिए तो मैंने तभी मना किया था ना मालिक। ठीक है उठना, अभी क्यों खड़े हैं, बैठिए। सब बैठिए, बैठ जाते हैं। ए परोसो, खाइए, सब लोग खाइए। ए शेरू चल। ये क्या बड़े मालिक, अब खाना खाए बगैर जा रहे हैं? आप सबके लिए जात कीमती हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यही कीमती है। चल ये फोटो अच्छा है। अच्छा नहीं है मालिक। अच्छा नहीं है ये। अच्छा नहीं है तो ये। अच्छा नहीं है, देख के बिना ही बोल रहे हैं। देख के बोलता हूँ अच्छा नहीं है। ये तो अच्छा है ना। अच्छा नहीं है ये। क्या देखे बिना अच्छा नहीं बोल रही है। अच्छा नहीं है। जो भी हाथ लगा ले लिया ना। आ, सिर्फ पैसे नहीं गहने भी चुरा के रख लिया हूँ। सांप 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 नहीं मैं हूँ। पिताजी पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी। मत करना बेटी। फिर ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कब कहा देखने के लिए, तुम्हारी माँ कह रही है। हाँ हाँ, तो आप अपनी बेटी की कभी शादी नहीं कराएंगे? दीदी हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, और चार दिन रुक सकते हो ना। हम माँ पर बोझ कैसे बने दीदी, ये तो आपका और जीजाजी का बड़पन है जो हमें अपना समझ रहे हैं। हम दो अनाथों को अपने बचपन से पाला, ये कम है। अरे छोड़ो ना, खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ बहुत खाया। अच्छा तो फिर जाओ। चलता हूँ दीदी। चलते चलते। ए अकल राम। अकल राम नहीं बुद्धि राम। जो भी हो इस बोरी में क्या है? बोरी में बोरी बोरी बोरी। जीजा जी पूछ रहे ना, दिखा। ओ कुछ नहीं जीजा जी, उसमें हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं। अरे और... ये क्या आप सचमुच में बोरी? मालिक तो यूं ही मजाक कर रहे थे, हमारे यहाँ रुपए जेवर वगैरह बोरी में भरकर ले जाया करते हैं, इसलिए मजाक कर रहे थे। अगली बार आएंगे तो मैं आपको एक बक्सा खरीद दूंगा। चलता हूं। अच्छा चलता दीदी। जाओ मालिक, आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात कहूँ। छोटी बात क्यों, बड़ी बात कहना, किसने मना किया? आप बाप बेटी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इसलिए फोटो देखे बिना ही मना कर रहे हैं। पर मालकिन रानी बिटिया की शादी करवाना चाहती है ना मालकिन। तो आप क्या करो बोल। अगर हम किसी को घर जमाई बनाएंगे तो हमारे साथ रानी बिटिया भी यही रहेगी। घर जमाई ऐसा कोई है नजर में? अभी अभी देखा। किसे? मालकिन का मुँह बोला भाई। सरा देना बंद कर। माना की अनाथ होने की वजह से मालकिन नहीं उन्हें पाला पोसा है, इसमें उनकी गलती क्या है? गलती की बात मत कर, अगर ऐसा करना पड़ा तो मेरी बेटी के लिए बड़े घर से रिश्ता लाऊंगा। हमारी जायदाद दोनों बेटियों के लिए तो है, उसमें से आधी जायदाद रानी बिटिया के नाम लिख दीजिए, वो भी धनवान हो जाएगी। इसका कोई लेना देना नहीं है, बेकार में टांग बतड़ा। जहां मेरा कोई लेना देना नहीं वहां मेरा काम क्यों? मैं चलता हूँ। मैंने ऐसा क्या कहा जो गुस्सा कर रहा है? गुस्सा करने के लिए मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ? आपकी बेटी आपकी मर्जी, किसी से भी शादी कराइए। ससुराल में जब ये रोएगी तो वो देख के आप रोएंगे और आपको देख के मालकिन रोएंगे, इसमें मेरा क्या? मैं आपका कोई सगा थोड़ी हूँ। शेरू भैया वो सचमुच जा रहे हैं, उन्हें बुलाइए ना पिताजी। क्यों बुलाओ, खुद का बड़ा खुद समझता है। अरे जा।